ला, शाबाश बेटा। काहे भाई, तू कवन लईका के ताके जाके गई रहीस? दादी आप भी कुछ भी बोलत रहनी, उ हमके लागल के बुलबुल आयल भी ऐसा मुके देखे गई रह। देखे गई रही। एक घर में बुलबुल के नाम केहू ना लीही। अगर तू साचे भी ओके देख लेली ना, तब बो ना। जी। आंटी जी, आंटी जी कैसे बाड़ी? वो एक्चुअली हम हॉस्पिटल फोन कर ले रही तो पता चला कि उनका के डिस्चार्ज कर दिया गया बाप। चल अच्छा बा कि वो घरे आ गए। हम समझ सकता नहीं कि तू लोग पे का बीत रहा हो, कि काश कि हम पहले जैसे तू लोग की मदद कर पाई थी। बाकी ना तो वैसा टाइम बा और ना आंटी जी के सेहत, और यही कारण हम तू लोग के घरे ना आए। नहीं कहें कि हम नहीं चाहते कि आंटी जी हमारा के देखें और खामोखा स्ट्रेस लेवे। देखा प्रज्ञा घर पर नहीं है तब तोहरे आंटी के ख्याल रखे पड़ी, कोशिश करे के पड़ी कि उनका कोनो स्ट्रेस ना होके। कहे कि भगवान ना करे जवन दूसरा अटैक होखेला ना, वो पहले से ज्यादा सीरियस होखेला। उनके टाइम पे खाना दिहल, दवाई दिहल, और सबसे अहम बात बुलबुल उनकरा के खुश रखल। कहे कि जब वो खुश रही है, सॉरी हम तो बोलते जा रहा बनी। अगर ये उठते हमार दुपट्टा देख ले अपने हाथ में तो बहुत नाराज हो जाइए। हमार सकल से तो अच्छा बा हमार दुपट्टा ही देख लेस, कम से कम गुस्सा तो कम करी है। ए चश्मिश, का कर रहल बड़ू तू? चश्मिश छोड़ा हमरा के। काही चश्मिश की तरह ओकर चीज भी गला पड़ जाएगा। एक ही इग्नोर कर ली ठीक रहे, हमरा सामने ना आई तब तक गुस्सा ना आई। तबियत खराब बाका? अभी तक तो ठीक रहे, लेकिन शायद अब ना रहे। का है? का भइल? उ देखो, सिर दर्द आ रहल बिया। हम कहनी तनु जी नमस्ते। भाई आप हमके नमस्ते ना कहनी तो हम आपके नमस्ते कर देनी। सॉरी दादी, हम आपके देखनी ना। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बेटा अब तक घर के फंक्शन खत्म हो गए, फिर काहे ले आई बाड़ू? फंक्शन नहीं के तो का भइल, फंक्शन के बाद के तो काम बा। तनु बेटा,
उ दरवाजा पे लाइट के लड़ी लटकल बा ओके उतरवा दी है। दादी हम आलिया से मिले आयल बनी। अरे सुनो 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 तनु तनु तू तो मॉडलिंग करेलू ना फिर आजकल इतना खाली नजर काहे आवेलू तू मॉडलिंग छोड़ देलू कि तार बॉयफ्रेंड तारा के छोड़ देले बा। दादी हम लास्ट वीक ही 3 एड शूट कर लेंगे। अगर तू ऐड कहले होक तू तो टीवी पे ज्यादा नजर आई तू और घर में कम नजर आई तू। दासी प्लीज डोंट टॉक टू हर लाइक दिस शी इज माय बेस्ट फ्रेंड ओके। बेटा हम ते से कहत रहनी कि बार बार एक जगह आए से इंसान के इज्जत कम हो जाला काहे। दासी व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड ये मार बहन जैसा नहीं है शी इज माय फैमिली। ओहो अगर ये तहार बहन ही है एकर मतलब कि अभी के बहन भाई कहे नो हम अभी के भाई। अरे बेटा गुस्सा काहे करत पाड़ू तहार दोस्त के भाई तहरे तो भाई ही लागी ना। वैसे भी हमनी के अभी के शादी हो गई बा प्रज्ञा के अलावा दुनिया के हर एगो लड़कियों को बहन ही भी है ना। तू रक्षाबंधन के दिन जरूर रहिया हमके बड़ा खुशी होखी। दासी हो गई आपके तनु तू हमार कमरा में चला हमनी शांति से अंदर बात खेल जाए। हाँ 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 लेके जा एक शांति मिले के चाहिए ना हमने के तो शांति मिल गई। How dare they call me अभी sister? हमार profession के बारे में कुछ भी कहला हम कुछ न करनी बाकी हमारा रवि के बारे में कैसे कह सकत बाड़ी कुछ भी। अरे relax उनके बोले से कुछ फर्क नहीं क्या पड़त मतलब अगर वो बोलेंगे तो भाई के बहन हो तो का भाई के बहन हो जाएबू। हमार बार बार यहाँ आवे से हमार इज्जत कम हो जाए और मुझे यहाँ पड़ल रही ले उनके केहू का है नहीं कहा कि फंक्शन खत्म हो गए अपन घरे तनु वो हमार दादी के कजन था तो हम कहे वही घर के है एंड आई एम एन आउटसाइडर। लड़ी एम कमिंग टू दिस हाउस सिंस सो मेनी इयर्स हम अभी से प्यार करी ला तो हम क्या अभी के बहन बनावल चाहत बड़ी। और अगर तहार दादी की कजन न होती ना तब तू कुछ ना कर पाई तू आई मीन तू कहे ओवर रिएक्ट करे तरु तनु उनकर कहे या ना कहे से कोई फर्क ना पड़ता उनके थोड़े ना पता बा कि तू भाई से प्यार करे लू और भाई तोहरा से प्यार करे ले। उनके तो ई पता बा ना कि प्रज्ञा अभी के बीवी है और बाकी सब लेके अभी के बहन है और प्रज्ञा के करवा चौथ के व्रत रखवाई है और हमरा से अभी से राखी बनवाई है। बहुत प्राउड फील करे ले ना कि प्रज्ञा उनकर बहू है हम उनकर सब घमंड तोड़ दे उनके ई बता देब कि जेके अपन प्यारी बहू समझे ली ना अभी ओके अपन पत्नी भी ना समझे उसे प्यार ना नफरत करेला पर अभी उसे ना हमसे शादी कर चाहत बा हमसे प्यार करेला हम अभी जाके उनके बताई आई एम गोइंग टू टेल देम नाउ। तनु तू केहू के कुछ ना बताई फू हम बता दे हमके ताना देत रही ना अब प्रज्ञा के साथे उनके भी पता चली कि अभी हमरा से प्यार करेला हमरा से शादी कर चाहत बा आई एम गोइंग टू टेल देम नाउ। रिलैक्स तनु लाइफ के और कॉम्प्लिकेट मत कर तनु तू हमरा तरफ देखा तू जाने लो कि तू भाई से प्यार करे लो हम जाने नहीं भाई जाने ले तो फिर ये लोग के बोले से का फर्क पड़ता टेल मी ये कुछ हो बोले से का हमके कोनो फर्क पड़ल बा आज तक ना ना तो फिर काहे इतना रिएक्ट करे तरु। तनु तोहर ई वक्त ध्यान सिर्फ और सिर्फ दादी के इम्प्रेस कइल बा और अपन प्यार कैसे ढिरोरा पीट के तहरा लगाता दादी तहरा से इम्प्रेस होके वाला बड़ी। तू अगर बाहर जाके दादी के कुछ बता देलू दादी के शौक वक लग गए ना तनु तो भाई के इतना गुस्सा आई तोहरा के ना छोड़िए थिंक अबाउट इट तो फिर सोचल बंद करा और कुछ दिन खातिर अपन ये रिएक्शन कम कर दा ओके और हम की बतावा कि राखी कब बा। अरे सीरियस आई एम जस्ट किडिंग यार मैं इतना गुस्सा काहे हो तो यार राइट इंदु तू कुछ ना कुछ बोलत रहे ले हम का करी दीदी हमार तो पुराना बचपन की आदत बा आप लोग तो जाना सनी ना। खुश रहा बेटा खुश रहा जी उतरा बेटा। मिताली तू नाश्ता ना करबू दादी उका है ना हमके काम बा बहुत जरूरी तो हम बाद में आके करता नहीं अभी चले तनी। हाँ बेटा चाहिए बाद में पहले हमारे रूम में जा हमार रात के सब कपड़ा ना वैसे ही पड़ल बा प्लीज जाके उके तहिया लगा के अलमारी में रख दा। मम्मी जी उका है ना कि हमके पापा के एगो बहुत जरूरी काम बा तो आप ऐसा करी ना आप अपन काम रॉबिन से कहवा के कर ली। अच्छा तो हर पापा के काम हमार काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। हाँ हाँ जरूरी बा काहे कि पापा हमार ख्याल रखे ले जोन मांगीला उदेवे ले आपके जैसा ना कि अपन बेटा के आड़ में अपन जेब भरीला।
कहा ना, राज के बारे में बोल रहल बाड़ी। ओ, राज अपन पूरा सैलरी हमार हाथ में रख देवेला ना, ओ एक ही अच्छा ना लगेला। इसे दादी हम आवतानी। प्रज्ञा तोहर माँ के तबीयत कैसन बा? फोन पे बात भइल बेटा? ना दादी बात, अरे घर से ही फोन बा। हेलो। हाँ हेलो प्रज्ञा, कैसन बाड़ी बेटा? हम ठीक बानी, माँ कैसन बाड़ी? माँ भी बहुत अच्छा बाड़ी, बाकी तोके बहुत याद कर रहल बाड़ी। हम कहत रही तोरा पास अगर टाइम होके तो यहाँ चक्कर लगा जो ना, ओके अच्छा लगी। हाँ दादी हम अभी आवत बानी, ठीक बा। दादी बेटा हम सब सुन लेना, तू जा उनके मिल के आवा। थैंक यू दादी। प्रज्ञा बेटा, बेटा जाइबू कैसे? हम ऑटो ले लेब दादी। ऑटो से काहे जाइबू, अभी छोड़ के आई ना तोरा के। सॉरी दादी, हम नहीं खींचा सकत, हमारे को प्रोड्यूसर से बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग बा। काम बाद में, फैमिली पहले। वहाँ अकेले जाई तो अच्छा लगी, जा छोड़ के आवाई के। दादी हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं की कर सकत, प्रोड्यूसर वहाँ पे। बेटा तू मीटिंग की चिंता काहे करत बाड़े? अरे आकाश तोर काम संभाल रहल बा ना, वही मीटिंग भी संभाली ही। आकाश तू संभाल ले बेना। श्योर माँ, बस भाई आप मीटिंग के स्ट्रेस मत ले, आई विल हैंडल एवरीथिंग। देख ले हम कहले रही ना वो संभाल ली ही। हो गयल ना तोर प्रॉब्लम सॉल्व, अब जा बहू के साथ ही जा। ठीक बा। अभी सरला जी की अच्छा तरह तबियत पूछी है। बुलबुल कुछ खाए के? बुलबुल ये कहा हो गया तुहरा? काहे का भइल? बुलबुल तुहर स्लीपर्स कहाँ बा? एंड वेयर इज योर बैग? ओ शायद हम ट्रायल रूम के अंदर ही छोड़ देल बनी, हम लेके आवत बनी। ए भाई साहब का प्रॉब्लम बा? कब से हॉर्न बजेले जा रहल बानी, दिखाई नहीं के दे ताके सिग्नल बा। अब हॉर्नी के के टाल सकेला? सुनो 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 सुनो, इतना जल्दबाजी बना तो हेलीकॉप्टर खरीद ला। आप का है हमार गुस्सा इतर से निकाल रहल बाड़े? हमके का बता रहे कि दादी इतर से आपके क्या दे? का बोलला तू? हम तो कब के बोल चुकनी भाई साहब, अब तो मोहतरमा बोल रहा बड़ी। ई के यहाँ पे तो केहू नहीं के? अरे ई जी आपके बगल में बैठल बड़ी। तहर दिमाग खराब हो गए, जब हम तोहरा से कह दिली कि यहाँ पे केहू नहीं खे तो केहू नहीं खे, एकर बात कर रहा बड़ा तू? अच्छा अब समझ में आई, बगल में बैठल लड़की नहीं के दिखाई दे रहा तो लाल बत्ती के सिग्नल कैसे दिखाई दे? आर यू मैड? जब हम कह रहा बानी कि यहाँ केहू नहीं खे तो केहू नहीं खे, केहू दिख रहा बका तोरा यहाँ? तोरा साचो दिखाई नहीं दे रहा का? देखो हरा बत्ती हो गई बा, निकल ला। का कर बड़ू तू? हम तो बस चुप चुप। तू जब ऑटो में बैठे लू तो का ऑटो वाले से बात करे लू? ना ना तो तू बस यह समझा कि ऑटो में बैठल बड़ू, समझ लू? एको काम करा तू पीछे जाके बैठा। रुक जा यहीं पे बैठल रहा, ना तो लोग सोचिए कि हम ड्राइवर बने। आँख के बहुत अच्छा डॉक्टर बाड़े, एक बार जरूर दिखा लाइन करे के। अच्छा देख कर रहा बड़ू, ये आँख के डॉक्टर बा, चेक करवा लिया। हम के चेक करवाई? कितना नाराज पड़ी, कहीं माँ के सामने हमके डांट दे ले तब। दी जीजू आप लोग, हमके ना पता रहे आप बड़ी माँ से मिले जरूर आए, हम उनके बता के आवत है, वो बहुत खुश होखी है। आप आए जीजू? तू चलना हम आवत बारी। ठीक बा।
देखिए हम आपके बात मनी, अब आपके हमारे बात माने की होगी। तू फिर से बोलू हा? हम कले रहने ना हमरा सामने रूल साहब के घर में, ये हमार घर हो। आप आई कहां ले जा हमरा के? ए हचड़ा डोंट टच मी। तू बार बार हमरा के हाथ काहे लगावत रहलू? हम आपके आगे हाथ जोड़त बानी, आप कब तक पांव भी पड़ ले बाप जॉन, कब हम कर बस हमार माँ के सामने आई सर। तू कौन सा नया ड्रामा कर रहा है? ड्रामा नहीं की कर रहा, हम बस रिक्वेस्ट कर रहा बानी, आपके जितना गुस्सा करे की बात कर ली ना, आपके आपके जॉन सजा देवी की बात दे दी, आप जॉन का अब हम कर अब बस। मतलब तू हमरा से ड्रामा करवाए चाहत पड़ू ना? बस एहसान करे खातिर कर रहा बानी, प्लीज आप जानत बानी ना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं खे, उनके अभी कौन स्ट्रेस नहीं खी दे सकता, आप माँ के सामने कुछ ऐसा मत कर जिसे उनके ऐसा लगे कि हमने के बीच कुछ नहीं खे। कहे सुनी हम तार बात, हम तोरा से पहले भी कह चुकल बानी, एक बार फिर कहत बानी के यू आर नोबडी टू मी। ऐसे ना तो तू हमरा से कोनो उम्मीद रखा ना, हम तोरा से हमदर्दी। ई तोहर प्रॉब्लम बा, एकरा तू अकेले सॉल्व करा। हम बहुत नाटक कर चुकल बानी, अब हम और नाटक नहीं की कर सकत। ऐसे अब ना हमरा सामने कोनो रिक्वेस्ट करे के जरूरत बना और ना ही कोनो शर्त। कहे कि अब हम जौन बोलब ना वो सिर्फ सच होगी। कौन सच के बारे में बात कर रहा पड़ा तू दोनों? हमके ऐसन का है लागत बा कि तू दोनों लड़ रहे पड़ा। माँ वो लड़ी ना तो का करी हूँ, देखिए अभी आयल बाड़े और अभी जाए के बात कर रहल बाड़े, तो ऐसे हम इनसे कहत रही कि नाना बेटा जी आप ऐसे कैसे जा सकत बानी, इतना दिन बाद आयल बानी ना, थोड़ा चाय और नाश्ता करके फिर निकल जाइए। वो आंटी जी काबा ना की शादी के वजह से घर पे इतना सारा काम बा के हम सारा काम बीच में छोड़ा ही नहीं, इकरा छोड़े खातिर अब हमके जाए के पड़ी। काम बात अब फिर हम ना रोका बेटा जी, लेकिन आपके जल्दी आवे के पड़ी हमार हाथ के नाश्ता खाए। हम चलत बानी। अब कैसे बानी? हम तो बिल्कुल ठीक बानी, तू जाके उसे पूछ ले पहले कब ले वे आई तो के प्रज्ञा जाना, हमनी बाद में बात करब, जा बेटा पूछ के आवा। का बात बा बेटी, इतना अर्जेंट काहे बुलेलू हमरा? हमके ना 500 रुपया चाही। 5000 खातिर तू हमरा के बुलेलू? पापा शायद आप ठीक से ना सुननी, हम 5000 ना 500 रुपया बोलनी है। सिर्फ 500 रुपया? हमरा के तोहरा पर कबो कबो बड़ा तरस आवेला, इतना बड़ा घर में तोहर शादी कैनी सोचनी बड़ घर बा, लेकिन अपन छोट छोट जरूरत खातिर तोरा के हमरा पास आवे के पड़ेगा। पता ना कौन माटी के बनल बाओ, ना के अपन बच्चन के फिकर बा, ना के तोहार। एक काम से तोहार जिंदगी के सब काम बन सकेला। अभी एगो कॉर्पोरेटर आवे वाला बा, ओकरा पास कुछ जमीन बा, ओकर कागजात लेवे के बा, ऐसन कई गो जमीन बा ओकरा पास। अगर तू चाहना त ई एगो काम कई के तोहार जिंदगी के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेला। हम तो हर तरीका से रात के समझा के देख चुकल बानी, लेकिन वो बाकी समझते ही नहीं खन। यह तो मुश्किल बा, तू ओके सिर्फ समझावे लू, ओके कंट्रोल में ना रखे लू। बीवी अपन पति से पता ना का का करवावे ली, तू अगर साइन नहीं करा सकत। अरे कैसन बानी सर? हाँ हेलो मिस्टर कपूर, हाउ आर यू? नमस्कार। कैसन बानी? इनसे मिली, ये हमार बेटी बाड़ी मिताली, इनका जो हस्बैंड बाड़ा नू बीएमसी में बहुत बड़ा ऑफिसर बाड़ा। अच्छा सर, सरी अब यू कागजात जिक्रा बारे में हम आपके बताइले रहनी, ई लैंड के कागजात। हाँ अब वो सब तो ठीक बा मिस्टर कपूर, लेकिन एमे हमार का फायदा होगी? आप हमने के बारे में सोचब तो हम भी आपके बारे में सोचब ना सर। अब देखिए फ्लैट तो आपके केहू भी दिला दी, हम आपके पूरा एगो फ्लोर दिलाइब सर, चली और तनी कैश भी। फ्लोर और कैश दोनों? बाकी हमें कुछ इलीगल तो नहीं खेना? अरे मैडम चिंता ना करी, हम बैठल बानी ना। अब आप पे डिपेंड करेला कि आप ही काम करता नहीं के। अरे आप मिस्टर कपूर बिल्कुल भी चिंता मत करें, ऐसा नौबत ही ना आई तो फिर हम चलता नहीं सर। हाँ काम हो जाए तो हमरा के फोन कर दे सरी फाइल। हाँ 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 नमस्ते नमस्ते। ये फाइल आप हमके दे ही पापा। तू का करबू? आप बस देखत जाई हम का करता नहीं, बहुत दूसर से मांग मांग के हम अपन जिंदगी जी लेनी, अब बिल्कुल वैसे ही जिंदगी जी अब हम जैसन के हम सोच ले रहे। ये पेपर पे हम राज के सिग्नेचर करवाई। ठीक बा, जब साइन हो जाए तो हमके बता दिया, हम आगे बात कर ले। ठीक बा, अभी हम चला तानी। हाँ सुना जौन काम खातिर आयल बड़ू वो तो ले ला, ये सब रख ला, और चाहे तो और मांग लिया। थैंक यू पापा। अभी हम चला तानी और एपर साइन जरूर करवाई।
आप देखा। ओके। हमको ना बच्चा पानी जो तू हमरा के छोड़े बाहर तक आयल बाड़ो, हम जितने कहले तू हमरा के अपन सकल मत दिखावले उतना तू सामने आके खड़ी ना हो। माँ कल ही आपसे पूछे खातिर कि आप हमके लेवे कब आई। लेवे? अरे तहरा चक्कर में हमरा लेवे के देवे पड़ गए और तू लेवे के बात कर रहल बाड़ू। मन तक कर रहल बा तहार सारा सामान उठा के पटक दी यहाँ पे। तहार नाम पता नंबर सबके सब भूल जाई हम। देखी आप हमके छोड़े आयल रही अब लेवे ना आई तो कहीं माँ की ना लागे। तंग आगे बनी हम तहार ड्रामा से लेवे कब आई बा छोड़े कब आई बा। कौनो बात ना, हम माँ से कह देव कि आप ना आ पाई। हाँ छोड़ो हमार, हाँ छोड़ो हमार। छुलू कैसे तू हमरा के? वहाँ हमार दादी और यहाँ तो हर माँ। अरे मजबूरी के फायदा उठावल तो केहू तरह से सीखे। और एक बात कान खोल के सुन ला, आज के आखिरी दिन बता रहा पास, आज के बाद हम कोनो नाटक नहीं करे वाला। जे जैसे वा वैसे ही बता, जौन सच बा वह बताई, फिर चाहे वो हमार दादी हो की या फिर तुहार माँ। समझ लो तू ले भी कभी। अब खड़ा का है बानी, चलिए बैठ जाए बैठ जाए। डॉक्टर कहले बाड़ी ना कि आप आराम करब तो जल्दी ठीक हो जाए, जितना आराम करब आपके खातिर अच्छा बहे से बैठ। हम जानत बानी कि आप यह कहब कि आप ठीक बानी, आपके कुछ नहीं की भैल हमेशा यह कहला आप, लेकिन आप ठीक नहीं की। हम आपके खातिर गर्म पानी लेके आवत बानी, हम कह दिले बानी इनका से कि काम खत्म हो जाए वक्त पर हमके लेवे आ जाइए। वो काम जरूरी रहे ऐसे हम इंसिस्ट ना कहनी, ना तो वो तो चाहत रहन की रुक जाए। तो के झूठ बोले ना आवे प्रज्ञा, और छुपावे तो बिल्कुल भी ना, फिर तू काहे झूठ बोल रहल बाड़े। हम झूठ नहीं की बोल रहल माँ, हम सच बोल रहल बानी, सब कुछ ठीक बा, आप काहे सोच रहल बानी बेवजह। बाहर आवा हमके तोरा से बात करे के बा, तू हमके सच बताइबे। तो के पता बाना एगो माँ के जिंदगी ओकर बच्चा के इर्द गिर्द ही घूमत रहेला, माँ के सब पता चल जाला कि उकर बच्चा के जीवन में कहा चल जाला, वो आँख से समझ जाले। और तू तो हमेशा से हमरा से सच बोलत रहल बाड़े, फिर तू आज काहे हमरा से झूठ बोल रहल बाड़े प्रज्ञा। हमके सच सच काहे नहीं किस बता रहल कि ओ दिन ओ रात के का भइल, जब ओके ई पता चलल कि पूरा बुलबुल के साथ भाग गेल त ओ का कहलस तोसे, ओ लोग तोरा साथे कैसन बर्ताव कैलक सब कुछ जानल चाहत बानी, तू काहे हमके सच नहीं की बता रहल। तो के बतावा कि हमके इतना साल से बीपी की बीमारी बा और अब तो हम दिल के मरीज भी बन गए बानी, लेकिन हमरा से सच छुपा के तू हमार भला नहीं की कर रहा, उल्टा हमरा से कुछ ना बोल के तू हमके परेशान कर रहा बाड़े। माँ अब परेशान मत हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, हम सच बोल रहा बानी और जी कुछ भी भाई झूठ बोल रहा बाड़े। तू सच काहे नहीं किस बोल रहा प्रज्ञा, जो आप कुछ भी साच बाप हॉस्पिटल में देख ली ना अपन आँख से, फिर का है आप आँख से देखकर भी झूठ हो सकेला ना। अभी जौन कुछ भी कलक हो सकेला कि ओकर दादी कहले होकस, और हम अभी के बात पर विश्वास नहीं की कर चाहत। हम क्या अपन बेटी के मुंह से सुने के बाद प्रज्ञा, हम तोर मुंह से सुनल चाहत बानी कि तू दोनों के बीच में सब कुछ ठीक बाना। दादी ना दादी ठीक है कहली, आपके आदत हो गल बा टेंशन लेवे के सब करे के, वो टेंशन लेवे ली आप तबियत खराब करे ली, दूसरा की भी टेंशन देवे ली। हम तब से कह रहे बानी कि हमनी के बीच में सब ठीक बा, लेकिन आप मानत नहीं कि हम का करी का बोली आपसे जो ना अब जानत बानी कि आप माँ हैं और आपके सब पता चल जाला, लेकिन हम तो आपकी बेटी है ना, हम आपके परेशान नहीं की कर चाहत बस और कुछ भी ना। साच बता रहल बानी आपके बता रहल बानी साच। हाँ इनकर बर्ताव थोड़ा बदल गए बा, लेकिन जायज भी तो बाना माँ, केहू की भी बहन की शादी टूटी तो वो इंसान के गुस्सा आई ना, और ये तो ऐसे छोट छोट बात तो पति पत्नी के बीच में होती रहेला। और आप ही तो सिखा ले बानी ना हमके कि पति पत्नी के बीच के बाद वो दोनों के बीच में ही रह के चाहिए, कोनो मुश्किल हो के कोनो प्रॉब्लम हो के वो दोनों के साथ में मिलके सॉल्व करे के चाहिए, फिर आप काहे बार बार एक के सवाल कई ले जा रहल बानी। हम भरोसा नहीं कि आपके
नहीं कि भरोसा की जोन रिश्ता आप जोड़ ले बानी वो हम निभा पाई। ऐसा बात नहीं खेले के तब फिर का बा माँ, जब आपके बताबा कि आपकी बेटी बिना कहले लोग के मन की बात समझ जाले तो आपके का लागत बा वो अपन मन की बात आपके पति के ना समझा पाई। जॉन फर्क शादी से पहले जॉन फर्क दो परिवार के बीच में रहे वो मिटा ना पाई वो फर्क वो आपन और अपन पति के बीच में आ जाए दी। भले ही हमार माँ कितना भी अच्छा संस्कार दे ले हो कसम के हम समझत बानी बाकी नहीं की समझता हम कह रहल बानी ना कि सब कुछ ठीक बा और जॉन ठीक नहीं क्यों ठीक हो जाए काहे कि हमके खुद पे यकीन बा और हम आपके यकीन दिलावत बानी कि हमार हमार और इनका रिश्ता की कुछ ना होगी। हम वादा करत बानी आपसे कि हम कौनो ऐसन बात के हमनी दोनों के बीच में ना आवे दे जेकर फर्क हमनी के रिश्ता पर पड़े। लेकिन आपके आपके हमसे वादा करे कि होगी कि आप हमार और इनका रिश्ता के लिए परेशान ना हो कब। हमके आदत नहीं कि आप परेशान रही और ओकर कारण हम रही। हमके आदत बा आपके आंख में हमरा ला गर्व देखे के। हम ई नहीं की देख सकता हम की ना चाहे कि आपके आंख में आंसू आवे आपके चेहरा पे सिकन आवे ना चाहे हम की आपके आंख में हमरा ला हिम्मत चाहिए और वो हमके ना मिली तो हम टूट जाए हम हार जाए ना। बच्चा हम अपन प्रज्ञा के कबो हारे ना दे तो के कबो टूटे ना दे। बच्चा तू तो हमार बहादुर प्रज्ञा हवे है ना। ये अंगूरी पकड़ के हम तोरा के चले सिखले बानी ना। आपका हाथ पकड़ के हम तोर हिम्मत नहीं की मिल सकत। हम जानत बानी हमार बच्ची सब कुछ संभाल ली। जौन भगवान की रिश्ता जोड़ ले बड़े ना वे के टूटे ही ना दी है। बस हम अब ए बार में कुछ ना सोचा हमके माफ कर दा। हम तो के परेशान ना करब और खुद भी परेशान ना होकब। प्रॉमिस पक्का। तो के पता भाई यहाँ कितना कुछ हो गइल बा। बड़की माई के हार्ट अटैक आइल बा बुलबुल। एक घर में बुलबुल के नाम केहू ना लीही। अगर वो सच्चे में दिख जाए ना तब बोना। बुलबुल लखाला हमके नेखे खाए के। का मतलब नेखे खाए के? नेखे खाए के मतलब नेखे खाए के पूरा। बुलबुल का हो गइल बा तोहरा? जब से अपन मम्मी के घर से आयल बाड़ू पता नहीं कैसे रिएक्ट करत आड़ू। ना कुछ बात करत आड़ू ना हमार बात के जवाब देत आड़ू। बस अपन ही सोच में पड़ल बाड़ू। आखिर भाईल का बा? हमके बतावा भाईल का बा। आई रियली वांट टू नो व्हाट इज रॉन्ग। पूरब तहार माँ तारा से आखिरी बार नाराज कब भाईल रहे? हमार माँ तारा से आखिरी बार नाराज कब भाईल रहे? बुलबुल हमके याद नहीं के बहुत छोट रहनी हम वो टाइम पर। हमके बहुत अच्छा से याद बा हमार माँ हमरा से कब नाराज भाईल रहे। और उनका नाराजगी ना कुछ वक्त खातिर होखेला। तारा पता बा जब हम कोनो गलती करत रही ना तो हम रोए लगत रही और हमके देख के ना वो हमके माफ कर देत रही। लेकिन ई बार भी हम गलती करनी। हम रोइनी भी बाकी हमार माँ ना मुस्कुराइल पूरब ना मुस्कुराइलू। हमार नाम लेती हमेशा उनका चेहरा पर स्माइल आ जात रहे आज वो स्माइल ना आइल पूरब। न हमके सुनल चाहत बाड़ी न हमके देखल चाहत बाड़ी। ऐसा लगत बा जैसे कि हम उनकर लाइफ के सबसे खराब सपना बन गई बानी जेके वो हमके भुलावल चाहत बाड़ी। पूरब हमके बहुत अकेला फील हो रहा बा। हमके बहुत अजीब फील हो रहा बा जैसे अनाथ हो गई बानी। ना बुलबुल ऐसा मत सोचा। बुलबुल दुनिया में ऐसा कौनो माँ नहीं के जो अपन बच्चा से ए तरह से नाराज। पूरब तू बात समझे के कोशिश नहीं के कर रहा। हम खुद अपन कान से सुन ली है की माँ कहली की वो घर में हमार केहू नाम न ली। हमके बहुत घबराहट हो रहा बा। हमके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम करी तो का करी। बिल्कुल रिलैक्स हम तो हर बात समझ रहा बानी। बाकी तू ज्यादा मत सोचा। टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाए। ना पूरब हमरा पास टाइम नहीं कि हमके जे भी करे के होगी अभी करे के होगी यही वक्त करे के होगी। बुलबुल का बोल रहा बड़ो का करे के होगी? हम अपन माँ के नेखे छोड़ सकत पूरब। हाँ तो तोरा के उनके छोड़े के कह रहा बा? पूरब हमके केहू कहा नहीं खे रहा लेकिन लग तो इसने रहा बा ना। और हमके सब कुछ खत्म करे के होगी अभी के अभी खत्म करे के होगी। पूरब बुलबुल का खत्म करे के होगी? तू का करता हमारा कुछ समझ में नहीं आवत। तहार और हमार रिश्ता बुलबुल ये तू का कह रहा बड़ो? सही कह रहा बानी पूरब और ये कल भी बहुत जरूरी बा।
जोन रिश्ता की वजह से हमार माँ हमरा से नफरत कर ले, वो हमके नहीं चाहिए पूरब। बुलबुल तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा बाड़ो, बुलबुल तू हमार बात सुन। तू हमार बात सुना पूरब, तू आलिया के मंडप में छोड़ के अकेला चलेला, फिर हमके मंदिर ले गए अपना साथे और हमके अपन माँ से मिले तक न दे। हम कुछ न करनी, हम सब बात मान ली पूरब, लेकिन अब तू हमार बात मान बा। बुलबुल माँ है हमार पूरब, ये दुनिया में हमरा के लायल बाड़ी, हम सब कुछ सहन कर सकत बानी, लेकिन उनकर नफरत न पूरब। बुलबुल पूरब हमार नजदीक मत आवा, न तो हम कमजोर पड़ जाई। तहार प्यार हमार माँ के नफरत के कारण बा, हमने के अलग होके के पड़ी, हमने के हर रास्ता बंद करे के पड़ी, जौन हमके तहरा तरफ लावे पर मजबूर कर देवेला। बुलबुल तू बात के कहां से कहां ले जा रहा है? सही अंजाम तक लेके जा रहल बानी हम पूरब, हमके नइखे रखे के रिश्ता जौन हमके अपन माँ से दूर लेके जात बा पूरब, हम ना रह पाए अपन माँ के बिना। अगर तू हमरा से प्यार करे ला ना, तो हमके आज के बाद कब्बो मत मिलियो, प्रॉमिस करा तू हमसे, प्रॉमिस करा कि आज से हमनी दोनों के रास्ता अलग होगी, प्रॉमिस करा हमके कि हमर माँ से कब्बो अलग ना होके देबा। तू हमरा लते इतना कर ही सकत बाड़ा ना? ठीक बा, जन पहले कहले रहनी आज उहे कहता नहीं। बुलबुल तोहरा खातिर हम कुछ भी कर सकता नहीं, चाहे ओकरा खातिर हमके तोरा से अलग ही कहे ना होके के पड़े। बुलबुल हमार माँ नहीं खी, बाकी हम तोरा के माँ से अलग ना होके दे। जा बुलबुल, आज से तोहार रास्ता खाली बा, हम तोरा के तोहार रास्ता पर ना मिलब, चाहे तू पलट के देखबू ना तब भी ना मिलब हम। आज से हमनी के रास्ता अलग बा बुलबुल। इश्क करे जो सो ही जाने, क्यों जल जाते हैं वो परवाने। एक आखिरी बार हमरा के देख ला बुलबुल, वही के सहारे हम जिंदगी जी ले। जब लग जाती है हमकी हमार जिंदगी लौटावे खातिर शुक्रिया पूरब। आई होप हमार रास्ता में अब ऐसा कोनो मोड़ ना आवे जहां तू हमके दोबारा मिल जा। हाँ हाँ सेठी साहब, 25 तारीख कुमकुम भाग्य आपके खातिर बुक करके रख ले बानी, काल आके पेमेंट की बात कर ले। हाँ जी नमस्ते। ओहो सरला, तू सुनेलू काहे ना? प्रज्ञा बेटा देख रहल बाड़े ना, तू ही समझावा अपन माँ के। हमार आधा टेंशन तो बुढ़ापा की वजह से बा, और बाकी की आधा वो तोरी माँ की वजह से। छोट छोट बात बेटा एके समझावे के पड़ेला। जब तू छोट रहे ना, तब तू हमरा के इतना न सताइले जितना ही तोर माँ सता रहल बाड़ी। अरे माँ जी, थोड़ी देर खातिर आइल बिया, और आप ना हमार शिकायत के पिटारा खोल के रख देले बानी, इतना भी तंग ना करेला जितना बदनाम करके छोड़ देले बानी आप। परेशान ना करेलू तब हमार ई हाल बा, अगर परेशान करबू तो पता ना का हाल होखे थमार। छोड़ी ना माँ जी, बीमारी में चंगा भला बंदा ना थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा होइल जाला। अब तू हूँ ओकर हामे हाँ मिलावा, जब ई दवाई टाइम पर ना ली ही ना, फिर आइया हमरा पास शिकायत करे, तब बताइबे हम तोरा के। दवाई खाइला हम? हाँ, जब से हमार तबियत खराब भइल बा ना, सबे हमरा तरफ ज्यादा ध्यान देवे लागल बा। माँ जी के तरफ केहू ध्यान ना देवेला ना, यही से माँ जी ज्यादा चिड़चिड़ करे लागल बाड़ी। माँ आप कैसे बनी? हम सुनने दादी कहत रही कि आप टाइम पर दवाई ना ली, और यहो सुनने कि आप हॉस्पिटल में एडमिट भइल रही, पता बा हम सोच सोच के परेशान हो गए ने कि आपके तबियत कैसे होगी, और यहो सोचत रही कि हम आपसे कब मिलब। और ये देखी दवाई, आपने एगो काम करी, दवाई ले ली, और पूर्वी सुन, तू ना हमके माँ के प्रिस्क्रिप्शन दे दे, ताकि हम अपन माँ के ख्याल रख सके और टाइम पे दवाई दे सके। पूर्वी एकरा से कह दे कि यहाँ से चल जाए। ओहो माँ, आप गुस्सा काहे हो रहल बानी? गुस्सा बाद में होले, पर ऐसन हालत में ना गुस्सा कल ठीक नहीं के। आप ये दवाई ले ली, गुस्सा बाद में कर ले। तो के हमार बात समझ में आ रहल? काहे आइल बारे तू यहाँ? तो के का लागल? तू हमके प्यार करबे, हमके दवाई खिलेबे त हम ठीक हो जाए, तोर सब गलती माफ कर दे। शादी आलिया के टूटल बा, लेकिन सर शरम से हमार झुक गइल बा। तू दुख ओके देले बारे, लेकिन हम शर्मिंदा हो गई नी, प्रज्ञा शर्मिंदा हो गई। तू इतना भी ना सोच ले कि प्रज्ञा और अभी के जीवन पर एकर का असर पड़ी। हाथ मत लगा हमके,
हाथ मत लगाई हमके तू तू हमार प्यार के हमार विश्वास के और माँ जी के दुलार के ना जायज फायदा उठा ले बाड़े दवाई खिलावे चाहत बाड़े ना तू हमके ये दवाई अगर तोरा हाथ से हम ये दवाई खैनी ना तो ये दवाई दवाई ना जहर बन जाए हमरा खातिर या कहा बोल रहल करी और केहू बीच में ना बोली अब सिर्फ बोली तो ई बोली बोल बोल हम तोरा से जानल चाहत बानी काहे कहले तू ऐसा पूरा दुनिया में तोरा सिर्फ पूरा भी मिलल रहे ई जान के भी कि वो आलिया से शादी करने वाला बा तो ओकरा साथे घर बसावल चल रहिस ई भुला के कि एकरा बात तोर बहिन और अभी के बीच में का होगी कितना शादी टूटला के बाद प्रज्ञा के शादी भइल बा और कितना बेर ओकर शादी सिर्फ तोरा वजह से टूटल सिर्फ तोरा वजह से ग्रहण बाड़े तू प्रज्ञा के जिंदगी में ग्रहण और प्रज्ञा और अभी के जीवन में हम तोर परछाई भी नहीं की पड़े दिल चाहत अभी का बोल बानी वो हमार बहिन है हम प्यार कर ले उस तू कुछ ना बोल बे तू हमेशा एकरा बारे में सोच ले बाड़े लेकिन ई ई तोरा बारे में एक बार भी ना सोच लक बचपन से लेके आज तक हमरा से ज्यादा प्यार कर ले बिया दीदी तोरा से लेकिन तू तू एक बार भी ना सोच ले एक बार भी ना सोच ले तू तू जो कर रहल बाड़े ओकर ओकर जीवन में का असर पड़ी जो जेकरा साथ भागल रहिस ना ओकरे साथे जाके रह तो के पता बा बेटी जे होली ना वो अपन माइके के साथ साथ अपन ससुराल वाला के भी लाज रखेली प्रज्ञा प्रज्ञा संभाल रहल बिया ना दोनों का लेकिन तू तू तो हमार सर भी शर्म से झुका देले बुलबुल हम सोचब कि हमार दू को बेटी ना सिर्फ एक के बेटी बिया तू हमरा खातिर मर गईले तू अपन सामान बांध और एक घर से निकल जा जो निकल जो बुलबुल आप शांत हो जाइए प्लीज माँ देखिए आप आपकी तबीयत खराब हो जाए डॉक्टर बोले बड़े आप क्या आराम करें कुछ नहीं के भाई हमके कुछ नहीं के भाई मरल नहीं की हम ठीक बानी राज अपन काम छोड़ा और पेपर्स पे साइन कर दा कैसन पेपर्स ज्यादा खुश मत होकर डिवोर्स के पेपर ना है इतना आसानी से नहीं की छोड़े वाला हम तारा के जोन तू 500 रुपए ना देले रहला ना जोन हम मंगले रही ओकरे जुर्माना है साइन कर तू वो बात कितना खींच कह रहल बाड़ू साइन करा हमू का फालतू में बहस करके टाइम वेस्ट कर रहल बानी ये पेपर के देलस तोरा के तोरा का लेवे देवे एक बार बस साइन करा हम साइन ना करब राज तोहर प्रॉब्लम का बा क्यों तोरा के रिश्वत दे रहल बा का ऐसन समझा कि हमार कोनो फ्रेंड के तोहर मदद के जरूरत बा तू अगर मदद करत रह ऐसे काम ना होखेला हर काम के एगो रूल एगो रेगुलेशन होखेला केहू के भी जमीन हम केहू के नाम नहीं कर सकल अरे रूल्स और रेगुलेशन के बुक ना अपना पास रखा हुआ बंद करके साइन कराई पेपर्स पर और अगर तू साइन ना कइले ना तो हम डिवोर्स पेपर पे बिना साइन कइले हमनी के बच्चा जे बाड़े ना बंटी और बबली उनके लेके यहाँ से चल जाई तू सच में चल जाएगी हाँ सच में चल जाए राजी का कर तरह राज हम ये... पे साइन ना करो हम ही मौका अपना हाथ से ना जाए दे राज तार उसूल की वजह से हम अपन और अपन बच्चा के भविष्य खराब ना होके दे बिल्कुल ना होके दे का करल बारे तू का करल बारे तू तोरा से कुछ पूछ रहल बारी का करल बारे तू रुका दिया मुहे करल बानी जोन माँ हमरा से कहले रे शायद ये कल जरूरी बात दी तू पागल हो गल बारे माँ तो के गुस्सा में दो बात बोल दी तू फुल पल ऐसे मत कर तू देखिए हम माँ से बात कर अब समझाई वो सब समझ जाइए दी माँ के एक बार हमरा वजह से हार्ट अटैक भइल बा अगर हमार वजह से दोबारा माँ के कुछ हो गए बकवास मत कर तोरा वजह से कुछ नहीं के भइल तू कोनो गलती नहीं किस कहले तू ना भागल रही ले पूरा के साथ ही तू जानत बड़े और हमू जानत बानी तू तो एक घर के खुशी खातिर अपन खुशी भुला दे ले माँ नहीं की जानत तो बुलबुल तो हम उनके बताए कुछ ना बताए बे माँ के
अगर तू माँ के बता देबे ना तो माँ तारा से पूछी कि ती सब कुछ पहले काहे ना बतेले, फिर का बोलबे तू? एक सच बतावे खातिर तो के सब सच बतावे के पड़ी थी, फिर तोर का होकी तो? सुन बैठिया बैठ, चुप, जौन होके के बा हो जाए, इसे बुरा तो नहीं हो सकता। तू बार बार हमरा ला अपन खुशी त्यागत रहो और हम चुपचाप बस अपना बारे में सोचत रही, यो तो नहीं हो सकता। जौन गलती तू कैली नहीं कर, सोकर सजा हम तोरा कैसे मिल जाएगी? तू चिंता मत कर, हम अपना तरीका से माँ के समझाए, अपना माँ सब समझी है। दी तू प्लीज इमोशनल मत हो, ये वक्त नहीं है माँ के सब कुछ सच बतावे के। तू हमार लाइफ के ठीक करे खातिर अपन लाइफ हमार देख, तोर शादी हो चुकल बा, तू जोन भी डिसीजन लेबे ओकर पूरा असर हमने पर भी पड़ी। हमार शादी नहीं खे भइल, हमार कोनो मजबूरी नहीं खे दी। अगर हम माँ के कोनो खुशी नहीं खे दे सकत ना, तो हम कोनो तकलीफ भी नहीं खे दे चार। अपन लोग खातिर उनसे दूर गएल जरूरी बात दी। यू लिसन टू मी प्लीज। तू एक घर में रहबे, माँ के साथे रहबे, समझ ली तू? हम जानत बानी कि हम मजबूर बानी, लेकिन इतना भी ना कि अपना वजह से अपने बहन के दिल टूटत देखी, हमार वजह से ओकर प्यार खोते देखी, ओकर परिवार खोत देखी और चुपचाप बैठत रही कुछ ना करी दी तू। हमरा सते जी भइल बा, उ हो चुकल बा, ओकरा बारे में केहू कुछ नहीं के कर सकत, नहीं के कर सकत ना केहू कुछ। लेकिन हम तोरा साथे कुछ गलत ना होके देव, समझ ले? जिंदा बानी अभी हम।